नमस्कार, हिंदी आचार्य में आपका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ पैक्ट की। तो बच्चों, 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लखनऊ सेशन होता है, इसके जो प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं इस सेशन के लिए, वो थे अंबिका चरण मजूमदार। और इन्होंने जो दोबारा से एडमिट कर लिया तिलक और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट को, जिन्होंने कि पहले कांग्रेस को छोड़ दिया था, क्योंकि अब दोनों मॉडरेट्स भी और एक्सट्रीमिस्ट भी, अब मतलब गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों, रियलाइज़ कर चुके थे कि एक दूसरे के खिलाफ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और एनी बेसेंट और तिलक ने भी इस रीयूनियन के लिए बहुत कोशिशें की, क्योंकि उन्होंने पहले ही होम रूल लीग बनाई जिसमें कि ऑल इंडिया कैरेक्टर था। पूरे इंडिया में उन्होंने कोशिश की इसको चलाने की, और स्वराज्य की वो मांग कर रहे थे। और फिर उनकी जो लीग थी उसको बहुत सारे भारत के अलग अलग नेताओं ने उसको ज्वाइन भी किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इससे जो दूरियां थी गर्म दल और नरम दल की आपस में, वो घटती हैं। और फिर 1916 में अंबिका चरण मजूमदार के प्रेसिडेंटशिप में इंडियन नेशनल कांग्रेस में लखनऊ में ये लोग फिर वापस आ जाते हैं। तो अब हम लखनऊ पैक्ट की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि जो लखनऊ सेशन चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसमें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एक साथ इकट्ठे आते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ब्रिटिश पहली बात तो और टर्की की हेल्प करना मना कर देते हैं, जो कि खलीफा उसके ऊपर राज कर रहे थे और जो कि मुसलमान अपना रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर उनको मानते थे। दूसरा, उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुई थी उसको कैंसिल कर दिया था 1911 में। तो इसकी वजह से भी मुसलमान जो थे वो बहुत ही गुस्से में थे, जिस वजह से वो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस इकट्ठी हो जाती हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़ को भी मना कर दिया था कि भाई आप अफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं बना सकते। तो इससे भी मुस्लिम मासेस में गुस्सा होता है। दूसरा, जो मुस्लिम लीग के जो यंग मेंबर्स थे वो कह रहे थे कि हमें भी राष्ट्रवादी आंदोलन में हिस्सा लेना है, तो इसीलिए वो चाहते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में मर्जर हो जाए। और मौलाना आज़ाद ने जो अल हिलाल और मोहम्मद अली ने कॉमरेड जो था उन्होंने सप्रेशन झेला, जिससे कि मुस्लिम्स एलिनेट हो जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो लखनऊ पैक्ट था मुस्लिम लीग के अंदर और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर होता है, वो मानते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि लीग की जो पोजीशन होती है कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहते हैं मुसलमानों के लिए, वो मान लिए, एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। और मुस्लिम्स को एक फिक्स प्रोपोर्शन दे दी जाती है लेजिस्लेचर की सीट्स की। और इस तरह से जॉइंट डिमांड्स होती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और लीग की। ये क्या डिमांड्स होती हैं? पहली बात तो सेल्फ गवर्नमेंट इंडियंस के लिए, यानी कि स्वराज्य की मांग होती है पहली तो। दूसरा, लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो टर्म होती है वो 5 साल के लिए होनी चाहिए, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की जो सैलरीज हैं वो ब्रिटिश के ख़जाने में से मिलनी चाहिए उनको। और जो वाइसरॉय के जो मेंबर्स हैं उसके साथ ही प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं, वो हाफ मेंबर्स ऑफ द वॉइसरॉय और प्रोविंशियल गवर्नर्स वो इंडियन होने चाहिए। तो इस तरह की ये जो डिमांड्स थी वो मोरेले मिंटो रिफॉर्म्स का ही एक बड़ा हुआ वर्जन, एक्सपेंडेड वर्जन हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बुरी चीज़ क्या होती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब मान लेती है ना इस डिमांड को कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए मुस्लिम लीग का, तो इससे एक तरह से नींव पड़ जाती है। किस चीज़ की नींव पड़ जाती है? टू नेशन थ्योरी की नींव पड़ जाती है, क्योंकि मुस्लिम्स को अब मान लिया जाता है कि भाई वो तो एक सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है लखनऊ पैक्ट के द्वारा। सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया एडविन मॉन्टेग्यू, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी 20 अगस्त 1917 में। वो कहते हैं कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, वो कहते हैं कि इसे ही अगस्त डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो ऐसी पॉलिसी है कि इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन इन ऑल ब्रांचेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम धीरे धीरे क्या करेंगे, भारतीयों की सहभागिता सभी तरह की एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ाएंगे। और एक तरह से एक डिमांड सेल्फ रूल की तो सीडिशियस नहीं मानी जा सकेगी, क्योंकि अब इससे क्या होता है कि जो मतलब आप स्वराज्य की आप मांग कर रहे हो ना, इसको आप देश के खिलाफ एक विद्रोह की तरह नहीं देखेंगे, क्योंकि अब ये एक पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट की भी अपनी पॉलिसी, जो गवर्नमेंट स्वयं कह रही है ना कि हम इंडियंस की पार्टिसिपेशन को बढ़ाते जाएंगे। तो अब अगर कोई स्वराज्य की डिमांड कर रहा है तो वो सीडिशियस नहीं है। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हो रही है,
रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो टर्म है इसको यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये जो टर्म है ना, ये आंसरेबल टू इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव इन इम्पीरियल गवर्नमेंट इन लंडन, यानी कि जो अब जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव जो यानी कि जो वोट जीत कर जो आ रहे हैं लोगों के द्वारा चुने हुए उनके प्रतिनिधि हैं, उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट। तो अब इंग्लैंड की जो राजशाही है केवल उसके लिए ही नहीं, चुने हुए नेताओं के सामने भी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ये भी एक डिमांड है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हालांकि ये क्लियर नहीं होता कि ब्रिटिश सचमुच में इलेक्टेड लेजिस्लेचर की पावर देंगे या नहीं देंगे। अब ये जो मॉन्टेग्यू की जो स्टेटमेंट अभी हमने जो सुनी, इन्होंने कह तो दिया कि भाई हाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भारतीयों की भागीदारी बढ़ाएंगे, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया कि हम कब बढ़ाएंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कब बनाएंगे। और दूसरा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डिसाइड थी कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की टाइमिंग्स हम बताएंगे, मतलब गवर्नमेंट के ही हाथ में सब कुछ है अभी भी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो लखनऊ पैक्ट होता है उसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मान लिया जाता है कि जो मुस्लिम्स हैं वो एक अलग पॉलिटिकल एंटिटी हैं, जिस वजह से आगे जाकर हमें टू नेशन थ्योरी हमारी डिवेलप होती है। तो आशा करती हूँ आपने बहुत कुछ जाना होगा इस वीडियो में, आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी आचार्या।